वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन्स हब। में इस वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस। ओके, जो न्यूज अपन ने कल पढ़ी थी यानी कि 31 जुलाई को अपन ने न्यूज पढ़ी थी, उन सभी न्यूज का आज एमसीक्यूज रहेगा। और आज आगे आपके हैं 1 अगस्त, राइट? तो 1 अगस्त की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वह न्यूज अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई आपका डाउट हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी मैंने रॉन्ग आपको बता दिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। ओके, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि नियरेस्ट एग्जाम्स हैं आईबीपीएस आरआरबी, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट यह बन जाता है क्योंकि जुलाई का मंथ आपकी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास अगस्त, ओनली फॉर अगस्त का मंथ है। इसके बाद आपकी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे प्री के, देन उसके बाद मेन्स के, राइट? तो अभी से ही आप जीके को प्रिपेयर करते चलिए, तभी आपको एग्जाम्स तक इतनी अच्छी हेल्प होगी, इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, जीके में बहुत अच्छे मार्क्स आपकी आ सकते हैं, राइट? एंड एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक दैट सीएचएसएल्स सीजीएल्स, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छे लेवल पे क्वेश्चन स्टैटिक जीके आपकी करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज इम्पॉर्टेंट डेज, राइट? सब कुछ मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में डिस्कशंस करता हूँ। आपको नहीं समझ में आता तुरंत टाइप करें एंड देन इसके नेक्स्ट जो लास्ट वीडियोज हैं उसको भी जाके देखें, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर डिस्कशंस करता हूँ। रेलवे की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो भी देखिएगा, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम्स हो उसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो भी देखिएगा। ओके, न्यूज पेपर्स अगर आपको चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं न्यूज पेपर्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, देन वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इम्पॉर्टेंट लगे कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल था, तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें और शेयर करें अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको बताते चलूं, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, राइट? ये जो मैंने कल दिया था इसका क्वेश्चन का डिस्कशंस करेंगे। सेकंड, आपकी इम्पोर्टेंट अगर कोई डेज बनता है, इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं इम्पोर्टेंट डेज बुक्स, राइट? सेकंड थर्ड पोजिशन पे आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज एंड फोर्थ पे आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट क्वेश्चन एंड आपके देन फिर अपन का एक होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, उसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट में रहेगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चंस? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसका एम्स टू इंक्रीज द ग्रोथ इनमोलमेंट, यानी कि जीईआर बढ़ाना है उसका एम है, रेशियो इन हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा है इंक्लूडिंग वोकेशनल्स एजुकेशन फ्रॉम 26.3% इन 2018 टू 50% ऑन विच ईयर, यानी कि 2018 में 26.3% था, अब 50% करना है, तो कौन से ईयर तक यह कंप्लीट होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सेपरेट दो क्वेश्चन आपका बना सकता है, दो क्या दो से ज्यादा ही बन सकते हैं, राइट? तो 2035 यानी कि 2035 तक इस पर्टिकुलर 50% तक एम करना है, 50% का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, राइट? कि 50% तक गवर्नमेंट की जो कि उच्च स्तरीय संख्या है इसको जो जी आर है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो यानी कि सकल नामांकन अनुपात है उसको 50% तक 2035 तक करना है, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, देखिएगा नई शिक्षा नीति में आपको मालूम होगा 34 साल बाद, राइट? 34 साल बाद, राइट? 34 ईयर्स बाद यह नई शिक्षा नीति आई है। पहली आई थी, आपको मालूम होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, 1968 जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, देन उसके बाद आई थी 1986 में जब आपकी
राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर से, राजीव गांधी देन 2020, यानी कि कितनी 34 साल बाद आपकी प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी, राइट। इस चीज को आप याद रखिएगा, तीन अपने भारत के इतिहास में अभी तक इंक्लूडिंग 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, 3 बार यह आ चुकी है, राइट। इस चीज को याद रखिएगा। देन नई शिक्षा पॉलिसी में अब एचआरडी मंत्रालय, राइट, जो एचआरडी मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, राइट। शिक्षा मंत्रालय, देखिए शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया, पहले 1985 से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, एचआरडी मिनिस्टर का। 1985 में इसको एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया, देन अब नाउ 2020 में इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। शिक्षा मंत्री आपके रमेश पोखरियाल निशंक, राइट, जो आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री थे वही आपके शिक्षा मंत्री होंगे, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड, राइट, याद रखिएगा। ओके, इस चीज को पर्टिकुलर नोट करते चलिए। ओके, 34 साल बाद आपको मालूम होगा दो कमेटीज बनाई गई थी, एक कमेटीज थी आपकी कस्तूरी रंजन, जो एग्जाम्स का क्वेश्चंस बना हुआ है, इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में, तो इसी कमेटी के मसौदे तैयार हुए थे, तो इसी कमेटी को नज़र, एक तरह से कह सकते हैं रिपोर्ट पूरा का पूरा एनालिसिस करके यह एजुकेशन पॉलिसीज बनाए गए है। देखिए इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग टू माई 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप है आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन, एंड आपके सेकेंड स्टेप हो गया आपका एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है अच्छे लेवल पे, आपको मालूम है बहुत लेवल का करप्शन अपने शिक्षा जगत में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में लूटपाट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसके आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर को, लगभग 10 साल आप मान के चलिए, 10 साल तो आप मान के चलिए इम्प्लीमेंटेशन, धीरे 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 इसको शिक्षा में बदलाव किया जाएगा, राइट। 5वीं तक आपको वहाँ की जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है मदर टंग में ही आपको पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद आप ऑप्शनल्स ले सकते हैं, राइट। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। अब मेरा एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है शिक्षा नीति पे, राइट, उसको जाके फॉलो कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप वीडियोज में जाके थंबनेल लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति 2020, समझिए आसान भाषा में, उसको देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर डाउट्स है तो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है आपकी बिजनेस लाइन, राइट, बिजनेस लाइन न्यूज पेपर्स की है, कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च 2 मंथ कंपेनिंग विद ऑफर्स डिस्काउंट, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 मंथ्स का एक कंपेनिंग लॉन्च किया है, राइट, 2 months combining with offers discount के basis पे, partners with over 100 products to provide deals to customer across various categories. Kotak Mahindra Bank has launched special 2 month combining with offers and discount across its suite of products. Right? याद रखिएगा, Kotak Mahindra Bank में उदय कोटक इसके president एक founders हैं, उदय कोटक, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट पुट्स ब्रेक ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ BS4 व्हीकल्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस लिया है कि जो BS4 के व्हीकल्स हैं, BS4 इंजन्स के व्हीकल्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाए, ब्रेक ऑन कर दिया जाए, रोक दिया जाए, राइट। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, राइट, तो उसके टू व्हीलर जो साधन हैं, राइट, बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेंटरी उनके पास अवेलेबल है, राइट। आपने देखा होगा इस न्यूज़ को, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसका रजिस्ट्रेशन पर रोक नहीं लगाई थी, तो जो ऑटोमोबाइल्स के मालिक हैं, जो सेल करते हैं, उन्होंने बहुत ही कम दामों में इस पर्टिकुलर इन्वेंटरी को निकाला था, स्टॉक को निकाला था, राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी गई है BS4 वाहन के साधन पे। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट में, आज के क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
Who among the following has been appointed as the private secretary? यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया है? Prime Minister नरेंद्र मोदी on co-terminus basis, right? सह टर्मिनल्स के आधार पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑप्शंस भी देखिए, आपने नाम सुने होंगे अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो। मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशंस की है और बहुत अच्छे से आपको रिवाइज भी करवाऊंगा, राइट। तो यह हुए, अगर आपने कल का न्यूज देखा है, कल का मेरा सेशंस देखा है, बहुत ही अच्छे से मैंने वहां पर 35 मिनट्स का पूरा सेशंस था, सभी न्यूज मैंने वहां पर डिस्कशंस की थी, इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इस पर्टिकुलर सेशंस को जाके पहले देख लीजिएगा ताकि यह सेशंस आपको फ्रूटफुल लगे, आपको हेल्प कर पाए, राइट। तो इसकी जो आपके निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, दैट इज द हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जो गुजरात की आईएएस के कैडर्स रह चुके हैं, आईएएस के ऑफिसर्स रह चुके हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रीवा गांगुली, आपने नाम सुना होगा, रीवा गांगुली, राइट। ईस्टर्न की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इनको सचिव बनाया है, ईस्टर्न की, ईस्ट की, राइट। याद रखिएगा रीवा गांगुली। विदुन हायर माय डियर फ्रेंड्स, यह तुर्कमेनिस्तान के राजदूत बने हैं, राइट, एम्बेसडर्स बने हैं तुर्कमेनिस्तान के, याद रखिएगा। विनी महाजन पंजाब की, आपने नाम सुना होगा, वापस रिवाइज करवा देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है विनी महाजन, ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि फर्स्ट लेडी है जो चीफ सेक्रेटरी बनी है पंजाब स्टेट की, ठीक है। तो सी ऑप्शंस आपके यहाँ पर, नोट, डी ऑप्शंस हार्दिक शशि चंद्र शाह, जो गुजरात की आईएएस ऑफिसर्स रह चुके हैं, इनको निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ओके। इसकी कटिंग्स देख लीजिए, ये इसकी कटिंग्स हैं, देख लीजिए। गुजरात आईएएस ऑफिसर्स नेम्ड पीएम मोदी स्टॉप हाइट, राइट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी अलोंग विथ प्रविंद जगन्नाथ, राइट, प्रविंद जगन्नाथ इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन विच कंट्री, यानी नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ ने एक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। कल भी मैंने इस न्यूज के बारे में डिस्कशन किया था, तो आपके मॉरिशस की सुप्रीम, मॉरिशस के कैपिटल पोर्ट लुइस में एक सुप्रीम कोर्ट ओपन किया गया है, राइट, उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी कैपिटल्स, मॉरिशस की कैपिटल्स हो गई पोर्ट लुइस, राइट, एंड रुपी यहाँ पर करेंसी चलती है, मॉरिशस रुपी यहाँ पर करेंसी चलती है, प्रवीण जगन्नाथ यहाँ के प्रेजिडेंट हो गए, ओके, याद रखिएगा, मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। मालदीव्स की कैपिटल्स माले हैं, याद रखिएगा, मालदीव्स की कैपिटल्स माले हैं, इब्राहिम मोहम्मद शोले यहाँ की प्रेजिडेंट है, ओके, याद रखिएगा, मालदीव्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। बांग्लादेश की कैपिटल्स ढाका है, टका करेंसी चलती है, और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर से हैं, ओके, शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। काली मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर है, काली मंदिर जो कि आपके बांग्लादेश में है, उनको वापस रिकंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है, ओके, ये देख लीजिए, ये न्यूज है, राइट। इंडिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डज नॉट कम विद पॉलिटिकल कंडीशन, सेज पीएम, राइट, ये पीएम मोदी है जो कि उद्घाटन कर रहे हैं, ओके। Which financial institutions approved $3 billion to India
अब फाइट अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 से खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 3 बिलियन की मंजूरी किस बैंक ने दी है? तो नंदगंज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक ने, राइट? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, राइट? जिन लिंकन यहाँ की प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। 102 टोटल्स कंट्रीज इस पर्टिकुलर बैंक से बिलोंग करती है। $3 बिलियन ऋण दिया जाएगा भारत को। जिन लिंकन का भी रिसेंट पे न्यूज रहेगी थी, इनको वापस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक मारियसपेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, राइट? मासासुद को आशाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवाशा, जो कि इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1966 में इसका फाउंडेशन है, राइट? टोटल से इसकी कंट्रीज बिलोंग कर दी है 68, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, इन्होंने $3 मिलियन रुपीज का लोन दिया था कोविड से लड़ने के लिए भारत को। कि रजत भाटिया हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली एसोसिएट विद विच स्पोर्ट, यानी कि रजत भाटिया है वह अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कौन से खेल से बिलोंग करते थे? तो वह थे क्रिकेटर, राइट? क्रिकेटर थे रजत भाटिया, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। KKR, राइट? KKR कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े हुए थे, 2012 में इनकी अहम भूमिका थी KKR को जिताने में, राइट? यह क्रिकेट से जुड़े थे, याद रखिएगा। ओके, सोमेंद्रनाथ मित्रा, राइट? सोमेंद्रनाथ मित्रा हु पास्ड अवे रिसेंटली इन द इज द फॉर्मर लोकसभा MP फ्रॉम विच स्टेट, ये कल भी मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ माय डियर फ्रेंड्स, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑब्विचरी से 2 से 3 क्वेश्चन बना सकता है। फर्स्ट, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का स्टेट पूछ सकता है, सेकेंड उसका प्रोफेशन पूछ सकता है, थर्ड वह कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, अगर कोई राजनेता हो तो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। तो आज मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है लोकसभा सांसद थे तो वह कौन से स्टेट से थे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दैट इज द पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के थे, राइट? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, सी ऑप्शन सौमेंद्रनाथ मित्रा, राइट? देखिएगा, यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, राइट? कांग्रेस पार्टी के चीफ रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के चीफ प्रेसिडेंट के रूप में यह रह चुके हैं सौमेंद्रनाथ मित्रा, राइट? इनका निधन हो गया है, कि याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, राइट? कलकत्ता यहाँ की कैपिटल हो गई, एंड जयदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हो गए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जयदीप धनखड़। ये न्यूज देख लीजिए, स्टॉलवर्ट शोमन पित्रा स्ट्रेटजिस्ट बिहाइंड 2016 अलायंस विद लेफ्ट, 2016 में इन्होंने अलायंस किया था डाई 78 ईयर्स की उम्र में, राइट? नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज टू फंड एलोकेशंस ऑफ एजुकेशन सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स में 6% GDP का फंड अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग्स में ही मैंने आपसे कहा था, प्लीज एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो जाके जरूर देखिएगा, सब क्वेश्चंस एक ही जगह आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट? विच स्टेट गवर्नमेंट सॉट टू फोर्ज फॉर स्किल्स स्किलिंग्स एंड प्रमोशंस एंड प्रमोशंस ऑफ एंटरटेनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल गवर्नमेंट्स इन कोलेबरेशन विद अमेजन वेब सर्विस इन द स्टेट, किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए मांगा है, राइट? तो वह स्टेट है नंदगंज आपकी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से
उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, राइट? तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। ओके, विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के गवर्नर हो गए। ओके, निघा नामक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के नाम फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन है वो आपके आंध्र प्रदेश में ही खोला गया है, याद रखिएगा। ओके, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए। रायतु भरोसा, जो कि बार बार एग्जाम्स पे क्वेश्चन बनता है, रायतु भरोसा, रायतु बंधु अलग है, रायतु भरोसा अलग है, वह आपकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ही है। ओके, कर्नाटका, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है येदुरप्पा जी, वजुभाई वाला यहाँ की गवर्नर है। कि बेंगलोर यहाँ पर कैपिटल हो गई, बुनकर सम्मान योजना, राइट? बुनकर सम्मान योजना यह आपकी कर्नाटका स्टेट की है, 18 जून को मास्क डे के रूप में बनाने वाला पहला स्टेट है कर्नाटका, याद रखिएगा। ओके, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। और बॉम्बे यहाँ की कैपिटल हो गई, ज्योतिबा फूले नामक एक किसानों के नाम से स्कीम्स हैं, राइट? शिव भोजनालय, राइट? यह भी आपके महाराष्ट्र स्टेट्स की है। ओके, पीएम केयर्स फंड में सबसे ज्यादा अमाउंट्स महाराष्ट्र स्टेट्स के द्वारा आई है। तो महाराष्ट्र आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ओके, तो ई ऑप्शंस एंड महाजॉब पोर्टल्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, महाजॉब पोर्टल्स हैं रोजगार युवाओं के लिए, यह पोर्टल्स की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही। ओके, सॉरी फॉर दैट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही। ओके, तो ई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है ग्रेट प्रोवेक्ट, ग्रेट प्रोवेक्ट यानी कि ग्रेट पैगंबर 14 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है ग्रेट पैगंबर, वह किस देश ने की है? तो ईरान ने, राइट? ईरान ने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज की है ग्रेट पैगंबर, याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी, व्हाट इज द स्टैटिक का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे? तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, राइट? हरारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट न्यूज में इसलिए मैंने दिया था क्योंकि रिसेंट न्यूज में जिम्बाब्वे न्यूज में रहा था, क्योंकि वहाँ पर चिकित्सा जो मेडिकल्स हैं होम्योपैथिक हैं उसके बेसिस पे जिम्बाब्वे के साथ एमओयू साइन किया गया है जिम्बाब्वे और भारत का, तो उसी के बेसिस पे न्यूज में था, तो मैंने कैपिटल उठाई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। जोहान्सबर्ग ये आपकी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है जोहान्सबर्ग। वियना आपकी वियतनाम की कैपिटल है वियना। मैड्रिड, मैड्रिड आपकी स्पेन की कैपिटल है स्पेन की, राइट? स्पेन, याद रखिए। ओके, तो जिम्बाब्वे के बेसिस पे आप याद रखिएगा होम्योपैथी और मेडिकल्स के बेसिस पे एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में, इसीलिए मैंने स्टैटिक का जीके बनाया है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अप क्या है, बबीता फोगाट, राइट? बबीता फोगाट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? बबीता फोगाट है वह किस खेल से बिलोंग करती है? तो वह आपकी ननदंस रेसलिंग, राइट? रेसलिंग से बिलोंग करती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और यह भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बबीता फोगाट और उनकी सिस्टर्स कविता फोगाट दोनों रिसेंट में न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट है, उन्होंने स्पोर्ट्स का डिप्टी डायरेक्टर बनाया है, डिप्टी डायरेक्टर के रूप में स्पोर्ट्स का यानी कि खेल का डिप्टी डायरेक्टर के रूप में बबीता फोगाट और कविता फोगाट को बनाया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेसलिंग से बिलोंग करती है, हरियाणा स्टेट से आती है, याद रखिएगा। हरियाणा स्टेट आपको पूछे कौन से स्टेट से, तो हरियाणा स्टेट से ये बिलोंग करती है। कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। नारायण हरिद्वार, सॉरी, आपकी हरियाणा जो स्टेट से वह 6 करोड़ रुपीज अपने जो कि
जो भी ओलंपिक से मेडल्स लाएगा गोल्ड मेडल उसको 6 करोड़ रुपए हरियाणा की तरफ से मिलेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। खेलो इंडिया गेम्स होते हैं राइट, वह आपकी अब की बात जो 4th एडिशन से वह आपकी हरियाणा में ही होंगे। हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पे राफेल की 5 सेट जो 5 खेप आई थी, एक खेप आई थी राइट, 5 वह आपकी हरियाणा के अम्बाला में होती है राइट। हरियाणा का अम्बाला का बस स्टैंड है, उसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम से इस पर्टिकुलर बस स्टैंड को नामित किया गया है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली है। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन विद ऑब्जर्व एवरी ईयर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर्सन कब बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28, 29, 30, 31 जुलाई, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है राइट, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है इसका क्या आंसर होगा। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, एंड अप करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपके रिच हैं। सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इस टाइप के आपको लेटेस्ट वीडियोज भी जरूर मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड शेयरिंग, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, कोई आपका सजेशन हो, कोई आपके आइडियाज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।